नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मैं केड़कर हॉस्पिटल अकोला रामदासपेट में हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक का नाम है शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन। हमारी भाषा में शीघ्र पतन मतलब क्या? 100% सेटिस्फैक्शन मिलने के पहले ही वीर्य का बाहर निकल जाना, इसे ही हम शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन के कारण क्या क्या हैं? शीघ्र पतन के कारण बहुत सारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एंग्जाइटी होना। जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, सेक्स से रिलेटेड ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है तो शीघ्र पतन हो सकता है। बहुत दिनों बाद अगर आप संबंध बना रहे हैं तो शीघ्र पतन हो सकता है। एक बिहेवियरल कंडीशनिंग हो जाता है। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं कि शादी के बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं और संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह कम है, टेंशन का वातावरण है और उसमें शीघ्र पतन हो जाता है और फिर वो आदत लग जाती है। जल्दी वीर्य बाहर निकलने की आदत लग जाती है और वैसे ही शादी के बाद भी वैसे ही होने लगता है। बहुत सारे पुरुष कमर्शियल सेक्स वर्कर के यहाँ जाते हैं संबंध बनाने में। कमर्शियल सेक्स वर्कर को घाई रहती है, जल्दी रहती है, उस समय भी जल्दी जल्दी वीर्य गिर जाता है और जैसे मैंने कहा बिहेवियरल कंडीशनिंग हो जाता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है शीघ्र पतन होने का। नंबर 3, बहुत सारे लोगों में नर्व लेटेंसी शॉर्ट रहती है, मतलब जो स्टिमुलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है और उसके कारण बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है। इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? शीघ्र पतन होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले पहले पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास आते नहीं थे। उनको लगता था कि ये प्रॉब्लम कुछ इम्प्रूव होने नहीं वाली है, ये कुछ दिखाने लायक प्रॉब्लम नहीं है और वो ज़िंदगी ऐसे ही बिताते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, फीमेल्स में भी अवेयरनेस बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है और पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये शीघ्र पतन या जल्दी वीर्य जाने के कारण बहुत सारे टेंशन क्रिएट हो सकते हैं। पेशेंट को एंग्जाइटी, वो व्यक्ति को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट टेंशन में जा सकता है, पेशेंट को इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, काम में मन न लगना, एंग्जाइटी होना। यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई काम का नहीं हूँ। फीमेल्स भी बोलती है ऐसे, आजकल ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। फीमेल्स बोलती है कि नहीं, हमको साथ में रहना नहीं है। डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पुरुष जो है, हमारा जो मेल पार्टनर है, वो उतना 100% फिजिकली और सेक्सुअली फिट नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी ये है हमको कि अगर आपको शीघ्र पतन होता है या जल्दी वीर्य गिर जाता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मतलब रीअश्योरेंस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि शीघ्र पतन होना ये बहुत ही कॉमन फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है। शीघ्र पतन ये किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर को भी हो सकता है, पेशेंट को भी हो सकता है, कोई भी बड़े छोटे गरीब अमीर व्यक्ति को शीघ्र पतन हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर के पास जाना, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना और उसकी बराबर ट्रीटमेंट लेना। जब आप साइकेट्रिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जैसे हम बहुत सारे शीघ्र पतन के या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनको रीअश्योरेंस देते हैं और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी काउंसिलिंग करना। काउंसिलिंग पेशेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें सेक्स एजुकेशन देना, एग्जैक्टली सेक्स करने की पद्धति सिखाना, क्या गलती हो रही है, फीमेल पार्टनर को क्या चाहिए, मेल पार्टनर को क्या चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, ये उन्हें अच्छे से समझाना, उन्हें टेक्निकल भाषा में, उन्हें डेप्थ में नॉलेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जेलीज हैं, बहुत सारे ऐसे मलम है, ऑइंटमेंट है, जिससे लगाने के कारण शीघ्र पतन नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो आजकल काम करते हैं जिससे शीघ्र पतन नहीं होता। हम अलग अलग टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। मेरा जो ये वीडियो है उससे मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वो डरे नहीं और बिंदास खुल के आप डॉक्टर के पास आओ, हमारे पास आओ, सेक्सोलॉजिस्ट के पास आओ और हमें अपना प्रॉब्लम बताओ। आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे वीडियो सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और भी वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद।